ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की ओर से जामा मस्जिद चौराहे पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि शंभूनाथ रेगर द्वारा अफराजुल इस्लाम की दर्दनाक हत्या पर जिला मुरादाबाद इकाई निंदा करती है और मांग करती है कि शंभूनाथ रेगर को फर्स्ट एड कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाकर फांसी दी जाए, देश में हो रहे भगवा आतंकवाद और ऐसे संगठनों को चिन्हित किया जाए जो देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं और देश को विभाजित करने की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे संगठनों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया जाए। राजस्थान सरकार की नाकामियां लगातार सामने आ रही है, इसीलिए राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए। उन लोगों को जो इस हादसे का समर्थन कर रहे हैं उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इन सभी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भेजा गया है। पहला ये है कि यहाँ की आवाम को इंसाफ दिलाना और उनकी सही रक्षा करना, लेकिन क्या हो रहा है कि उसके लिए वहाँ पे कत्ल होता है, उस कत्ल की वीडियो वायरल होती है और उस कातिल के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है और उसे देशभक्त किया जाता है और क्या किया जा रहा है कि उसके नाम पर हजारों भगवा आतंकी एक जन सैलाब की तरह निकलते हैं उसकी रिहाई के लिए। लेकिन आज हम यहाँ खड़े हुए हैं किस बुनियाद पर, क्या हमारे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि जैसे गैर लोग जो है सिखों के साथ दलितों के साथ जी जो कत्ल गारत हो रही है, जिसको नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर साहब तिलुवैसी सांसद के अंदर 542 दीगर लोग हैं उनके बीच में खड़े होकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज इस मुरादाबाद जिला के अंदर हम MIM के बैनर तले इस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उस शंभूलाल नेगर को किसी भी हाल में फांसी मिलनी चाहिए।